खुशियाँ मिली ज़्यादा है इसके अंदर। और मेरे हस्बैंड इसके अंदर सुन्नी प्ले कर रहे थे, दोनों कम्युनिटी एक साथ दिखा रहे थे शेयर सुन्नी। लोगों का ऐसा मानना है कि इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, यस, और पर इसके अंदर प्यार दिखा रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में, बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखा रहे हैं। जैसे सुनने में आया कि आपको हॉरर फिल्म बहुत पसंद है, तो आपके पास जब इसकी स्क्रिप्ट आई होगी तो किस तरह था, आपने क्या दिमाग में चला उस टाइम आपके? मेरा पहला क्वेश्चन यही रहता है कि जॉनर अगर मैं उसके साथ रिलेट तो एक एक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हुआ है। तो जब मुझे पता लगा कि इट्स अ हॉरर फिल्म, मैंने स्ट्रेट अवे हाँ बोला, और मुस्लिम हॉरर फिल्म थी एंड बहुत अच्छी लगी मुझे, तो मैंने हाँ कर दिया। मोस्टली मैंने हॉरर अभी कर रहा है और थ्रिलर कर चुकी हूँ, तो मुझे ज़्यादातर ये फिल्म ज़्यादा अच्छी लगी, जिसके अंदर कुछ ना कुछ एक हर एक सेकेंड या हर 10 मिनट के बाद एक जॉल्ट तो ऑडियंस को लगे समथिंग डिफरेंट इज गोइंग ऑन या कुछ अलग हो रहा है, तो मुझे ज़्यादा रात तक एक स्क्रिप्ट ऐसी दिखी कि प्रेडिक्टेबल कि अच्छा ये तो होना ही था। जैसे हॉरर फिल्म की बात करें तो हमेशा शूटिंग के दौरान कोई चीज़ ऐसी हो जाती है जो रियल लगती है, तो आपकी फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि सेट में हम सभी एक दूसरे के लिए भूत थे, क्योंकि हम लोग रात में भी शूट करते थे, दिन में भी शूट करते थे, और जहाँ पर भी हम शूट कर रहे थे वो एक आइसोलेटेड सी जगह थी बैंगलोर के अंदर, और जिस विला में हम शूट कर रहे थे उसके आस पास बहुत सारे विलास थे और वो सबके सब खाली थे। तो रात में आप सोच सकते जब सन्नाटा हो जाता तो एक ही चीज़ आपको सुनाई देती और वैसा फील होता था। दो कम्युनिटी की आपने दिखाई है इसके अंदर फिल्म, तो किसी कम्युनिटी से आपको कोई डर या खदशा तो नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं दिखाया गया? मुझे दो कम्युनिटी आपने दिखाई इसके अंदर, शिया और सुन्नी कम्युनिटी, तो कहीं से आपको कोई रिएक्शन तो गलत आने वाला नहीं है मूवी के अंदर कोई ऐसा सब्जेक्ट? नहीं, सी, ये रियल स्टोरी है लखनऊ के अंदर, उनके साथ हुआ है, वो सुन्नी है, उनकी वाइफ शिया है, और जब इन लोगों का निकाह हुआ था फैमिली से उनसे वो करके बिना मजदूरी के, तो इनकी फैमिली में कुछ ऐसा होने लगा और जब इन लोगों को पता लगाया कि एक्चुअली वो क्या रहा, तो पता लगा कि शिया फैमिली थी उनके परिवार के अंदर, ताकि वो खुशी से ना रहे वैसा कुछ। तो जब उनसे पता लगाया गया तो वो आज भी मिस्टर गफर बहुत एक बहुत चौंक होके ही एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग कि ऐसा होता था, ऐसा हुआ है, फिर हमने बच्ची भी बोल दी, और जैसे वो बच्ची घर के अंदर आई तो क्या कुछ हो रहा था, तो उस चीज़ को हमने सोचा कि दर्शाए इसमें। ऐसे एज सच कुछ कम्युनिटी को लेकर इतना एम्फोसिस नहीं किया गया, लेकिन अब क्योंकि शेयर सुननी है तो वो अपने आप में ही ब्लॉक है, अंडरलाइन है। अगर बच्ची के लिए कभी कुछ बस छोड़ो, बहुत बोल रही है लड़की, देखी नहीं बोल रही है, अच्छा वाला लड़की देख के बोलती है। आज श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा या समाधान, अगर आप ये इस तरीके से जितना निर्णय समझ पा रहे हो कि शायद शैतान नहीं होगा या ऐसी मुझे नहीं होती, मेरा ऐसा मानना है कि अगर भगवान है तो शैतान, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव वाइब होती है तो नेगेटिव वाइब होती है, तो दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, बच्ची वो अलग बात है कि लोग मानते नहीं हैं, भगवान को भी मानते हैं, तो बंद करो, शैतान को ज़्यादा मानते हैं, नेगेटिविटी उनके दिमाग में चलती रहती है। सो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ फैला रहे हैं, वी आर जस्ट शोइंग सेम थिंग जो हो रही है। ट्रेलर की अगर बात करें तो ट्रेलर जिस तरह का बना हुआ है उससे काफ़ी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म काफ़ी अच्छी हो सकती है, ऐसे में क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस की और कितनी बड़ी एक्सपेक्टेशन? फिल्म जब आती है तो हर कोई चाहता है कि फिल्म हिट हो, ब्लॉकबस्टर हो, पसंद करने के बारे में अच्छी अच्छी बातें करें, और हमारे हिसाब से हमने बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई और उम्मीदें बिल्कुल पहली फिल्म की तरह ही काम किया है हम सब ने यहाँ पर, शायद इसके बाद हमें और काम ही मिलेगा, क्योंकि एक वो भूख रहनी ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर सर पे चढ़ जाएगी तो चल कर चुके हैं चलो यार ये एक और आ गई हमारे एक्टिव है, तो वैसा नहीं, हम सब ने जितने भी हम इस सब ने इस ढंग से काम किया कि शायद पहली और आखिरी हमने 100,000% देने की कोशिश की और दिया भी। दर्शकों से क्या अपील करेंगे शैतान? दर्शकों से अपील करेंगे कि शैतान को देखिए, समझे कि और डरे, डराने की बहुत कोशिश की है फिल्म के अंदर, एंड इट्स अ डिफरेंट थिंग, डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, इट्स इवेंट, और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा।
मैम एक मैडम विजुअल ले लेते हैं। चलो तय करो। विजुअल ले लो। विजुअल ले लो। मैम लुक इधर।